बात करते हैं पाली की। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने पाली शहर स्थित जलदाय विभाग का औचक निरीक्षण करते हुए विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति, पंजिका की जांच एवं परिसर का अवलोकन करते हुए विभाग के परिसर में नकारा बेकार सामान को नियमानुसार टेंडर कर नीलामी के लिए निर्देश किए। साथ ही राज्य सरकार की मनसान रूप कार्यप्रणाली द्वारा कार्य किए जाने, साफ सफाई, समय पाबंदी, स्टोरेज पत्रावलियों के रखरखाव के लिए व ई फाइलिंग से कार्य करने का और रिकॉर्ड संधारण के बारे में संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सीने उपभोक्ता सेवा केंद्र का निरीक्षण किया एवं दो डिस्पोजल मामलों में परिवादियों से दूरभाष पर बातचीत की और जानकारी ली। संभागीय आयुक्त कार्यालय आमजन को गुड गवर्नेंस देने के लिए प्रयासरत है। पाली स्थित मुख्यालय पर जो पीएचडी का ऑफिस है उसका आकस्मिक निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण के दौरान मुख्य तौर पर ये देखा गया है कि जो अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्या समय पर उपस्थित हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। तो उपस्थिति रजिस्टरों के माध्यम से उनकी उपस्थिति की जाँच की गई है और साफ सफाई परिसर में मेनटेन है कि नहीं, परिसर व्यवस्थित है कि नहीं, नाकारा सामान का नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए, वो किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है, फाइल्स का जो रख रखाव है वो उचित तरीके से है या नहीं है, तो ये भी देखने में आया है कि जो नाकारा सामान है उसका काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज परिसर में पाया गया और उसका नियमानुसार निस्तारण करने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्टोर है जिसमें कि नए आइटम्स को रखते हैं उसका किस प्रकार से स्टोरेज किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया है। पत्रावलियों के रख रखाव का मैंने देखा कि लगभग काफ़ी अधिक संख्या में और काफ़ी अधिक पुराने फाइलों को उनके द्वारा ऊपर रैक्स में रखा हुआ था जो कि उचित तरीके से रखाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि उनको नियमानुसार रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना है तो जिस तरीके से अभी उनके द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही, रिकॉर्ड संधारण किया जा रहा है, वो तरीका सुरक्षित नहीं था, साफ सुथरा नहीं था। तो इस बारे में डायरेक्शन दिए कि जो रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है, नियमानुसार रखा जाना है किसी पर्टिकुलर अवधि तक, तो उसको सुरक्षित तरीके से, साफ सुथरे तरीके से रखवाएं ताकि वो वाकई काम में लेने योग्य बना रहे और जो रिकॉर्ड काम में नहीं आता है उसको वीडिंग कराएं नियमानुसार और उसका डिस्पोजल करें। इसके अलावा उपभोक्ता सेवा केंद्र के रजिस्टर का भी मैंने अवलोकन किया कि उसमें जो परिवादियों के परिवाद दर्ज हैं उनमें से वो परिवाद जिनका कि उन्होंने रजिस्टर में डिस्पोजल होना अंकित कर रखा था, तो उन जो डिस्पोजल वाले परिवार थे उनमें से दो परिवादियों से मेरे द्वारा बात की गई। एक परिवाद ओवरफ्लो से संबंधित था और दूसरा परिवाद नया नल कनेक्शन लेने से संबंधित था। तो मैंने स्वयं ने मोबाइल से उन दोनों परिवादियों से बात की और ये जानकारी ली कि आपने ये परिवाद यहाँ पेश किया था, क्या इसका निराकरण हो गया है जैसा कि रजिस्टर में बता रखा है, और क्या वही उसमें समय कितना लगा, कितने दिन में उसका निराकरण हो गया है, इस चीज़ की भी मैंने परिवादियों से जानकारी ली है। तो ये कार्रवाई अभी जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं कि गुड गवर्नेंस के तहत कार्यालयों में समय से उपस्थिति हो, परिवादियों को सुना जाए और उनकी समस्याओं का निराकरण